साबूदाना खीर तो व्रत में हर कोई बनाता है, पर इस नवरात्र में आप बनाएं इस तरीके से साबूदाने की खीर। ये खीर बहुत ही टेस्टी होती है और आप इसे 20 या 25 मिनट में ही तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद शिव्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, इसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये मैंने कच्चा दूध लिया है। दूध हमारा बॉईल हो गया है और अब हम इसे इस तरीके से चलाएंगे। और ये मैंने साबूदाना लिया है। साबूदाना मैंने ये 30 ग्राम लिया था और मैंने इसको 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। 4 घंटे के बाद, ये भीगने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से फूला है। अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे, चलाएंगे। साबूदाने की जो खीर होती है वो बहुत ही टेस्टी होती है खाने में, और आप इसे नवरात्रि में बना करके जरूर खाएं। चलाते रहेंगे, चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। इलायची पाउडर डालेंगे, आप इलायची भी इसमें डाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इलायची का जो बाहर वाला पार्ट होता है आप उसको निकाल दीजिए, और जो अंदर के बीज होते हैं उसको आप कूट करके इसमें डाल दें। उससे भी बिल्कुल सेम इलायची पाउडर जैसा ही टेस्ट आता है। आप इसको लो फ्लेम पर पकाएं, और अगर आप इसके पास में खड़े होकर के इसके पका रहे हैं तो आप गैस का फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको लगातार खड़े होकर चला रहे हैं तो हम इसका फ्लेम तेज करके ही इसको पकाएंगे। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से काजू। आप अपनी मनपसंद के कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं खीर में काजू ही डालती हूँ, मुझे बादाम ज़्यादा पसंद नहीं है खीर में। और काजू के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये चीनी। ये चीनी मैंने 30 ग्राम ली है। 30 ही ग्राम मैंने यहाँ पर साबूदाना लिया था और 30 ग्राम ही मैंने इसमें चीनी ली है। बाकी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलाएंगे इसको और अच्छे से इसको पकाएंगे। खीर हमारी बन गई है और हमने इसको लगातार चलाते हुए 20-25 मिनट तक के पकाया है, और 20-25 मिनट में आप देख सकते हैं खीर हमारी बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, खीर हमारी बहुत ही बढ़िया बनी है। तो अब हम गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और खीर को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। खीर हमारी तैयार है, अब हम थोड़ा सा इसको गार्निश करेंगे। गार्निश मैं यहाँ केसर से कर रही हूँ। कुछ केसर लेंगे, कुछ मैंने यहाँ पर किशमिश ली है, थोड़े से पिस्ता, बादाम। और खीर हमारी बनकर के तैयार है। आप इसे ठंडी खीर को सर्व करें, ठंडी खीर बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए खीर हमारी कितनी बढ़िया बनी है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में ये जो बेल आइकन है इसको दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुँचेगा।